हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और हम लोग आज फाइनल जो है घर का टूर देंगे, छोटा सा जितना भी काम हुआ है ऑलमोस्ट अभी सेट हो रहे थे हम लोग, तभी इतना इसलिए व्लॉग आया नहीं। मतलब मुझे ये दिख रहा है ये, फिर ये भी आने से बाकी भी है, तो उनको टाइम लगा सेट होने के लिए, इसके लिए मुझे इतना मतलब टाइम नहीं दे पाया मैं व्लॉग बना रहा था तभी। तो जितना भी शॉट्स था इन लोगों का कैप्चर हुआ जब ये आए घर पे, तो उसका रिएक्शन वीडियो भी है, तो वो पहले देखो, फिर हम लोग घर का एक छोटा सा टूर भी देते। आज जा रहे हैं नए घर। अरे बाप रे, किट्टा देखना, वो किट्टा की चीनू है, चीनू 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 नहीं चीनू है, वो बाहर जाने के लिए देख रहे हैं। आओ आओ सब आएंगे, घर जाने का, घर घर अम्मू देख रही है, इधर से जाऊं मैं, बस बस घर पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। बैठ गया, सेटल हो गया, सेटल हो गया। हीरो ये देखो, ये देखो, ये देखो अपनी जगह फिक्स, इसकी भी जगह फिक्स कर दिया इसने। आधे पत्ते इसके वजह से गायब हो जाएंगे लगता है झाड़ में से, अभी रख देते अंदर ही। बॉक्स के बाहर नहीं आ रही, ट्राई तो कर रही है। आजा शिरू, ये लड़का तो पता नहीं कब आएगा बाहर, सबसे बड़ा फट्टू है। फाइनली शिरू बाहर आ चुकी है एंड इंस्पेक्शन चालू है शिरू का। आया फाइनली बाहर है, वो सबसे ज्यादा क्या हो गया, बहुत फट्टू है। घर है अपना, नहीं डरने का, नहीं डरने का, नहीं नहीं वो ये करते ही है। तो ये मैं घर के बाहर आ गया हूँ, और जैसे ही देखोगे तो ये है हमारा सेफ्टी डोर का डिज़ाइन, और इधर जो है सिंपल सा रखा है हम लोगों ने, सेफ्टी डोर है, सेफ्टी डोर यहाँ पर उसका शोरैक यहाँ सामने रखा है, और ये रहा ग्रिल। ये एक्चुअली हम लोगों ने जो है ऑनलाइन जो है यूट्यूब में ही देखा था ये डिज़ाइन, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा था, तो हम लोगों ने वही डिज़ाइन को रखा है। एक्चुअली ग्रिल वही है, मगर थोड़ा सा डिज़ाइन हम लोग ने चेंज किया है, पूरा रेप्लिका नहीं रखा है। और ये जो है इधर एक सेव नेम बोर्ड आना है हम लोग का, जैसे ही वो आएगा उसके बाद हम लोग वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पे प्रोफाइल लाइट है, एक बार चालू करके देखता हूँ फिर बताता हूँ। अरे मैं भूल गया, लाइट ही नहीं आज तो, लाइट गई हुई है, इसके लिए मैं चालू करके नहीं बता सकता, नहीं तो बताता। अंदर जाते हैं देखते फिर उसके बाद क्या क्या है। अभी जो घर में जितना भी काम हुआ है सब मैं बता देता हूँ, क्या क्या छोटे छोटे चीज़ें करवाई थी। ज़्यादा हम लोगों ने इतना कुछ करवाया नहीं, मतलब इंटीरियर में हम लोग ने खुद से डिज़ाइन किया था, इसके लिए जो बेसिक डिज़ाइन थी ऑनलाइन हम लोग जो ढूंढ रहे थे, वो ढूंढने के बाद हम लोगों ने ये चीज़ें करवाई कारपेंटर के थ्रू, या फिर जैसे हम लोगों ने बताया कि एक बंदे के थ्रू हम लोगों ने सब डिज़ाइन उनको बताया और वो एग्जीक्यूट करवाया। पहली चीज़ थी हमारी, वो है हमारा जो है हॉल के लिए सोफ़ा कम बेड, एक्चुअली सोफ़ा कम बेड है, एक बार खोल के दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखो इधर सोया है, इसको उठाना पड़ेगा, लगेगा नहीं तो, थोड़ा इधर हो जा। तो ये सोफ़ा कम बेड है, ये पूरा ओपन नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आइडिया ले सकते हो आप लोग, ये पूरा ओपन होके ऐसा 5 फीट है और ऐसे 6 फीट है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा। एक्चुअली ये लुक जो है ग्रीन कलर और ये वाइट कलर का कुशन, ये बहुत मैचिंग हो रहा था, अच्छा दिख रहा था वाइट वॉल के साथ में, तो हम लोगों ने डिज़ाइन ये किया। मैं इतना अच्छे से डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन जो भी था सब कुछ सजी ने किया था, तो उसको ही हम लोग बुलाते हैं, और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन वो अच्छे से कर सकती है, तो उसी को लेते हैं व्लॉग में। यहाँ पे तो शेल्फ है, यहाँ पे टीवी फिक्स किया है हमने, और नीचे कैबिनेट है,
लाइट्स हैं एंड ये जो लाइट आप देख रहे हो ये हमने आईकिया से ली हुई है एंड उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे फ्रेम है, ये फ्रेम भी आईकिया से लिया हुआ है और सारे हमारे कैट्स के फोटो हैं यहाँ पे और नीचे देखो ये तो सोया हुआ है एंड ये जो दो चेयर्स हैं अगेन मल्टीपर्पज़ है, ये यहाँ पे भी यूज़ होता है और बालकनी में भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये दोनों भी आईकिया से ही है। अभी हम लोग जो है हॉल का तो हो गया, अभी बाकी भी चीजें बतानी है। तो जैसे अभी हम लोग है अभी बालकनी में, बालकनी में हम लोग ने फ्लावर पॉट रखे हुए ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो हमारे पुराने घर पे भी थे, तो वो हम लोग ने लेकर आए और इसको थोड़ा सेट करना बाकी है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक ये लगाया हुआ है, क्या कहते हैं इसको जी तो ये ड्रीम कैचर हम लोग ने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये गोवा राइड से लिया था। तो ये कुछ हमारा बेडरूम का वार्डरोब है, फुल ग्लास मिरर जो है वो, और ये जो है यहाँ पे हमारा स्टडी टेबल जो सज्जी को उसके ऑफिस से ही मिला था। तो और हमारा ये भी सोफ़ा कम बेड ही है, और इसका जो मैट्रेस है हम लोग ने फ्लो से लिया है, यहाँ से बता सकते हैं क्या, फ्लो मैट्रेस है जो कि मुझे लगा कि सबसे बेस्ट यही रहेगा, फ्लो मैट्रेस हम लोग ने लिया है। साइड में एक टेबल है यहाँ पे जो कि हम लोग ने आईकिया से लिया था, साइड टेबल और बैग रखा उसके ऊपर। और ऐसे नीचे हम लोग ने बहुत सारे जो है मिस्टर डी आई वाई से हम लोगों ने ऐसे मैट लिए, तो जो कि हमारे कैट्स कहीं पे भी सो सकते हैं वैसा तो यही जो है छोटा सा भी ऐसा का लुक है इधर का बेडरूम का, ज़्यादा हम लोगों ने काम नहीं कर रहा है अभी। ये जो है यहाँ पे भी वॉल में पूरा जो है फ्रेम्स आने बाकी है, और इधर सामने की तरफ और एक चीज़ आनी है। आईकिया से हम लोगों ने एक बोर्ड आता है जो बहुत सारे कॉमन लोगों ने सब देखा होगा, वर्क स्टेशन में बोर्ड लगते हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे लगाना बाकी है। और ऊपर एक शेल्फ आएगा जो कि आईकिया से ही लिया हम लोगों ने, ये वाला स्पेशली बहुत अच्छा मुझे लगा कि ये वाला जो लुक है बहुत यूनिक है और वाईफाई से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है। तो किचन का दूसरा साइड जो है वो हम लोगों ने कैबिनेट्स रखे हुए हैं, वो इस तरह जार्स रखे हैं हमारे जो भी दाल चाहिए वो, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे चिमनी फेबर का है, बहुत लोग पूछ रहे थे कौन सा चिमनी है, वो है फेबर का ट्रैटो थ्री डी और ये कुछ लगभग हम लोगों को 12,000 में मिला था विजय सेल्स से, नॉट प्रमोटेड बट इंफॉर्मेशन भी है। और दूसरा चीज़ है यहाँ का कैबिनेट जिसमें हम लोगों ने ग्लास वेल रखे हुए, और यहाँ का जो है इस साइड का वो है मतलब कटलेरीज के लिए, मेस्टअप है के लिए ज़्यादा ही नहीं। और यहाँ पे जो है सिलेंडर का कैबिनेट दिया हुआ है, इधर तरफ जो है क्लीनिंग मटेरियल, और ये वाला जो है मसाले के बॉक्सेस जो, और इस पर नाम लिखना है जैसे मैंने बताया वाईफाई से इंस्पायर्ड है थोड़ा बहुत, तो चीज़ें हम लोग ने ली है। बस ये छोटा सा किचन का टूर है, और यहाँ पे जो है हम लोगों के ऐसा पुराने बर्तन रखे हुए हैं ये वाले साइड में, और ये लॉफ्ट बनाया था हम लोगों ने। एक्चुअली हम लोग ने लॉफ्ट ऐसा ओपनिंग वाला नहीं बनाया, स्लाइडिंग वाला बनाया, जैसे ये स्लाइडिंग वाला बनाया होगा ये। बस ये छोटा सा टूर है, फाइनल लुक अगर और भी अच्छा होगा तो हम लोग बता देंगे। जैसे हम लोगों का एक और एक प्लान है कि यहाँ पे जो है प्लांट लगाया है ताकि ये फैले यहाँ तक, तो वो कब होगा पता नहीं, टाइम लगता है इसके लिए, जब भी हम लोग का होगा तो बता देंगे कि फाइनल लुक कब आएगा, मतलब आने वाले व्लॉग में जब भी आएगा तो मैं फाइनल लुक एक बार शेयर कर दूंगा। ये जितना खुश होता है बाकी कोई देखा नहीं इतना। दे दे खाने के लिए, दे दे उनको, चल खाना नहीं चाहिए, गुई चाहिए, ये चाहिए, चल हवा रखती हूँ।
मुंह में मुंह है। ये मेरी पिल्लू है, ये प्रेग्नेंट है एक्चुअली, इसको हम रोज खाना डालते हैं रात में। परेशान नहीं करते ना बाबू, खा रही है ना वो। पिछले टाइम के एक वीडियो में है हमारे, इसमें मोगू है हमारा, मोगू हमारा, मोगू हमारा वेट करता है हमेशा, कोई वेट करे ना करे मोगू वेट करता है। ये जो शॉट आप लोग ने देखा अभी, ये हम लोग रोज करते हैं, हमारे पुराने बिल्डिंग में करते थे, तो हम लोग ये सेम चीज़ अभी यहाँ पे भी स्टार्ट किया है कि हम लोग जितने भी स्ट्रीट डॉग्स या कैट्स जो भी हमें मिलते हैं रास्ते में, तो हम लोग उनको फीड करते हैं। तो हमारा एक छोटा सा हमने एक गिव अवे सोचा है कि इनके आप लोग भी आपके एरिया के डॉग्स कैट्स, या आपके एरिया नहीं कहीं पर भी आपको कई डॉग्स कैट्स दिखे, आप उनको फीड कर रहे हो, तो आप उसको कैप्चर करके हमारे इंस्टा हैंडल पे शेयर कर सकते हो, तो हम लोग आपको एक गिव अवे देंगे। तो हमारा ये छोटा सा एक इनिशिएटिव है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो हमें बहुत खुशी होगी। तो आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ इतना ही करना है कि हमारे इंस्टा हैंडल को फॉलो करना है, और साथ में जो भी जो क्लिप रहेगा आपका उसको टैग करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बस ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे।